अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हैं आप जी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज आए हैं हम लोग हज़रत बाबा शहीद जेतो के बिल्लौरी में, मज़ार मिलती है आपको देखने में। हम लोग दिखाते हैं फटाफट से आप लोगों को। من هنا أشرقا والدرب زان مع सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग आए हैं उत्तर प्रदेश के बिल्लौर में। बिल्लौर में नौ गजा पीर की जो मज़ार आपको देखने को मिलती है, उस मज़ार पे हैं हम लोग। और काफ़ी लेट हो गए थे, नाइट का व्यू आपको देखने को मिल रहा होगा। तो हम लोग का ये रात का समय है जो हम लोग आए थे, और मज़ार पे कुछ इस टाइप का है क्योंकि यहाँ का उर्स हो चुका है तो भीड़ भीड़ कम है। यहाँ आपको अंदर से मज़ार दिखा देते हैं, हम लोग कैमरा नहीं ले जाएंगे। और बाकी इस टाइप का मज़ार देखने को मिलता है आपको मज़ार पे। आप देख लीजिए, नाम भी लिखा है हज़रत बाबा शहीद इब्राहिम शहीद नौ गजा पीर, और सामने आपको मज़ार देखने को मिल रही है। काफ़ी प्यारी, काफ़ी अच्छी मज़ार है जो कि बिल्लौर में फेमस है, पूरी मज़ार। और इस टाइप का मंज़र आपको देखने को मिलता है, पूरे लोग हैं जाएंगे। और आपको साइड साइड में दिखाते हैं क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे कि लोग रुके हुए हैं, बहुत से लोग यहाँ रुके हुए हैं तो आप देख सकते हैं। और यहाँ इस टाइप का मज़ार देखने को मिल रहा है, देखिए सामने लोग। तो गाइस, हम लोग के साथ सीन कुछ इस टाइप का हो गया कि यहाँ लोग बैठे हुए थे, वो मना कर दिए हम लोग को कि वीडियोग्राफिंग यहाँ ना करें, आप फ़ोटो वोटो हम लोग की ना खींचें। तो हमने उनसे बताया कि यहाँ फ़ोटो हम लोग नहीं खींच रहे हैं, मज़ार के सिर्फ ओनली वीडियो बना रहे हैं ताकि दूसरे लोग जो नहीं आ पाते उनकी ज़्यारत हो जाएगी इस वीडियो के द्वारा। तो लोग बोले कि यहाँ के खादिम है नहीं, अगर वो आ जाए तो आप उनसे परमिशन ले कि हम लोग की वीडियो शूट कर लीजिएगा, अभी मगर वीडियो मत शूट करिए। और हम लोग यहाँ पास गए तो खादिम को ढूंढने में हम लोग को इतना टाइम लग गया तो खादिम तो मिले नहीं, मगर ये इस टाइप की वीडियो हम लोगों ने बना दिया ताकि आप लोगों की ज़्यारत हो जाए। और जितने भी आप लोग जाने वाले हैं तो यहाँ जाएँ और यहाँ की ज़्यारत करें, जो कि यहाँ नौ गजा पीर के नाम से दरगाह फेमस है जो कि आपको बिल्लौर में देखने को मिले। ये भी बंद है जो कि हम लोग को खादिम नहीं मिल पाए यहाँ, और सामने इस टाइप का बरांडा कमेटी दफ्तर यहाँ बंद है तो हम लोग को खादिम मिल नहीं पाया, तो उससे चक्कर में हम लोग को यहाँ दिक्कत हो गई और वीडियो जिस लेवल के हम लोग सोच के गए थे उस लेवल की वीडियो नहीं बन पाई। सामने आपको प्यारा मंजर देखने को मिल रहा है, माशाल्लाह इतना प्यारा मंजर है। और अंदर से हम लोग वीडियो नहीं शूट कर रहे हैं क्योंकि यार अंदर कैमरा चलाना मना था और यहाँ के लोग भी हम लोग कैमरा नहीं चलाने दे रहे थे, तो इस टाइप की वीडियो हम लोग की अच्छी नहीं निकल पाई। नेक्स्ट टाइम जाएंगे, बहुत अच्छी वीडियो निकालने की कोशिश करेंगे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। गाइस, जैसा कि देख लीजिए, दरगाह के बारे में यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि आप स्टॉप करके वीडियो पढ़ सकते हैं। और ये दरगाह के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है, कैसे आना है, क्या आना है, आपको नंबर भी दिया गया है, कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप, जो कि हम लोग को यहाँ सूचना के तौर पे लिखा हुआ था। तो हम लोग ने सोचा ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम की हो सकती है, तो हम लोग ने इसको रिकॉर्ड करके इस वीडियो में लगा दिया ताकि आप लोग इसको स्टॉप करके वीडियो बाद में पढ़ सकते हैं। तो दरगाह पर आप देख सकते हैं कि मतलब अगर आप दूर से जाते हैं तो आप वहाँ रुकने को मौका मिल जाएगा, अगर आप वहीं के लोकल के हैं तो आपको यहाँ रुकने का मौका नहीं मिलेगा। गाइस, नेक्स्ट वीडियो हम लोग दिन के बनाने की कोशिश करेंगे ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो हम लोग दिन में बना पाएं। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।